किल कोरोना अभियान में तेजी से बढ़ते कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं। जब इस संबंध में दतिया स्वास्थ्य अधिकारी CMHO SN उदयपुरिया से बात की तो उन्होंने तेजी से बढ़ते संक्रमित मरीजों की संख्या को लेकर कहा, इसका मुख्य कारण शादी समारोह है, जहां लोगों का आना जाना हुआ है, जिससे संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ी है। वहीं स्वास्थ्य विभाग में कुछ डॉक्टर्स नर्सेज भी संक्रमित, जिससे उनके परिवार के भी कुछ लोग संक्रमित हुए हैं। ड्यूटी के दौरान उनकी भी जांच करवाकर क्वारंटाइन कर दिया गया है। साथ ही यह भी कहा कि जैसा ही उच्च अधिकारियों के आदेश आएंगे वैसे ही सैंपलिंग जांच में बढ़ोतरी की जाएगी। देखिए, अभी किल कोरोना अभियान के तहत घर घर सर्वे हुआ है। दूसरा, अधिकांश केस जो अभी निकल के आए वो हमारे 30 तारीख के शादी समारोह की वजह से ये संख्या ज्यादा बन गई। कुछ सामाजिक कार्यक्रम बर्थडे वगैरह में भी एक दो प्रकरण में जानकारी आई, जैसे अमन कॉलोनी वाला है, उनके यहाँ पर शादी थी। इसी तरीके से 30 तारीख को वसई में एक परिवार की शादी यहाँ रतिया से की गई थी, उसमें भी कुछ केस पॉजिटिव निकले हैं। शिमला में एक बारात ग्वालियर से आई थी, उसके कारण भी कुछ केस पॉजिटिव निकले हैं, केसेस की संख्या में वृद्धि हुई है। लेकिन हमारी जो रिकवरी रेट है वो भी उसी रफ्तार से बढ़ती जा रही है, इसलिए चिंता का कोई विषय नहीं है। सर, अभी कितने सही होके गए हैं और कितने अभी संक्रमित हैं? आज की तारीख में हमारे पास में एक्टिव केस 77 हैं और 67 केस हमारे यहाँ से ठीक होकर के जा चुके हैं। हालांकि चूंकि पिछले 4-5 दिन में ये संख्या बढ़ी है, इसलिए रिकवरी रेट हमारी 50 से नीचे दिख रही है। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9039011886 एवं 9770229999।